हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये झील है मशोबरा में। ये शिमला का ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। वो कहां से आ रहा है? ये वायर्स है और इनके बीच में थ्रेड डालते हैं एक एक करके, और उसके बाद एक सिमेट्री में आ जाता है। ये है कुल्लू के शॉल जो वो नीचे बना रहे थे ना, देन ये डिजाइन निकल के आता है। जो तो लगता है कि यही बेस्ट टाइम है यहाँ पे विजिट करने का, बाकी तो बारिश वारिश तो होती रहती है, बारिश में और ज्यादा मौसम अच्छा हो गया। इस गेस्ट हाउस में हम रुके थे, फ्रॉस्टी वुड्स होम स्टे। ये बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, अच्छी हॉस्पिटैलिटी। खाना इसका है, यहाँ से 100 मीटर दूर है तो वहाँ पे मिलता है, रिसेप्शन रूम सर्विस भी है, बट अगर गरम गरम खाना खाना तो वहाँ जा सकते हैं। और अगर सो वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। राइट नाउ वी आर ऑल इन शिमला और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हेलो डैडी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हरिओम। हरिओम। तो डैडी से पूछते हैं कि उनको शिमला में कैसा लगा। शिमला बहुत अच्छा है, बहुत ही ठंडी जगह और अच्छी पहाड़ी पे बसा हुआ है, कुदरत के नज़ारे सारे यहाँ पे, सारे घर ऐसे पहाड़ पे बने हुए हैं। यहाँ पर कोई प्लेन एरिया नहीं दिखता है, जिस भी इंसान ने घर बनाना है उसने पहाड़ खोद के बनाना पड़ता है, नीचे नीचे और नीचे। तो हाँ वही तो, इसलिए मतलब क्या है कि कल भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। ऊपर भी अगर हम फर्स्ट फ्लोर भी लें तो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं, तो मम्मी डैडी को मुश्किल होती है हमेशा, तो इस वजह से ये थक रहे हैं। और मॉल रोड वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा था, इनफैक्ट हम लोग भी थक जाते हैं तो पेरेंट्स का तो होता ही है। तो आप जब भी पेरेंट्स के साथ आओ तो इस तरह से प्लान करके आओ कि ज़्यादा लंबा एग्जॉस्टिंग डे ना रखो, नॉर्मल थोड़ा करो फिर रेस्ट लो थोड़ा करो टाइप। वैसे ही हमने किया बट थोड़ा बहुत तो थकावट होती ही है। अब घर से बाहर आज कोई थकावट नहीं है, पूरी रात में आराम किया। चलो करने के बाद थकावट दूर हो गई, अच्छी बात है। समृद्धि और मेरे को कैसा लगा ये समृद्धि बताइए हम दोनों को। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मेरे को शिमला बहुत पहले से, मतलब मैंने सुना था कि शिमला बहुत अच्छी जगह है, बस इसलिए मेरे को शिमला देखना था। बट यही है कि यार यहाँ चलना पड़ता है, उस वजह से थोड़ा बोरिंग लगता है कि यार इतना क्यों चलना पड़ रहा है, बाकी बहुत ही अच्छी जगह है। जाकू टेम्पल मेरे को सबसे अच्छी जगह लगी, सबसे अच्छी लगी। और एक और चीज, अगर आप मंडे आओ, ट्यूसडे आओ, संडे आओ, सैटरडे, यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा ही, सिमिलर ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक 40% लोकल है और 60% टूरिस्ट है, क्योंकि लोग यहाँ पे, और जो अभी क्या है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है इंडिया में, तो लोग आते हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं, यहीं से काम करते हैं, नेट इंटरनेट आ जाता है, वाईफाई ऑल दो यहाँ पे है, बट वाईफाई इतना तेज यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। हम वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे, बाकी के लिए वाईफाई बहुत सही है, रील्स बना सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो, छोटा मोटा कुछ काम कर सकते हो। अपलोडिंग ऐसे ज़्यादा GB की वीडियो तो मेरे आज भी अभी अपलोडिंग पर लगाई है हो ही नहीं अभी तक। दिस प्लेस इज़ वेरी गुड, यहाँ पे स्टे अच्छा है और आपको यहाँ पे कंफर्टेबल मिल जाएगा, फ्रॉस्टी वुड होम स्टे। आप अगर मेक माई ट्रिप ओयोस दोनों जगह चेक करोगे तो 4.7 रेटिंग है, विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि क्लीन मतलब साफ सुथरा है सब अच्छा। और मम्मी पापा के लिए भी अगर आप उनको सादा वादा खाना खिलाना है तो यहाँ पे आपको उनको सादा खाना मिलेगा। बट आपको इनको पहले बताना पड़ेगा कि आपको कैसा खाना चाहिए कैसा नहीं चाहिए, जैसा आप बोलोगे वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपको सब मिल जाएगा। तो गाइस अभी चलते हैं, आज की जो हमारा प्लान है वो ये है कि आज हम जाएंगे पहले नलधेरा, हमने नलधेरा एक्सप्लोर नहीं किया। कुफरी नहीं जा रहे, कुफरी जो है स्पोर्ट्स के लिए, और अभी विंटर स्पोर्ट्स ज्यादा होते हैं वहाँ पे, तो अभी कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने का। यस, तो दैट्स व्हाई हम जा नहीं रहे, नलधेरा जाएंगे या फिर देखेंगे मशोबरा भी। उसके बाद अभी कंफर्म नहीं है कि आज हम हमारी डेस्टिनेशन क्या है, वेदर इट विल बी चंडीगढ़ और सम अदर प्लेस, सो वो आपको विद टाइम पता चल जाएगा, बिकॉज मेरा ऑफिस का एक काम है वो थोड़ा सा अभी रुका हुआ है, तो वो जैसे ही मेरे को कंफर्मेशन आएगी तो हम उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करेंगे। चलो गाइस अभी चलते हैं इन 3, 2, 1। ये रास्ता नलधेरा को जाता है और यहाँ जा रहे हैं मशोबरा लेक, कहते हैं कि यहाँ पे अच्छी लेक है और ये बहुत ही पास है शिमला के। तलाई यही है, तलाई कहाँ पे है, जाना कहाँ से? तलाई, तलाई जा कोई बोलते, तलाई मंदिर है, नहीं नहीं वो कहते ना झील सी मशोबरा में है, तालाब है छोटा सा, इसमें पानी नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था? हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये झील है मशोबरा में, ऐसे सुंदर है बहुत जगह, लेकिन ये तलाई बोलते हैं इसको। ये मुश्किल से 20 फुट बाई 15 फुट होगा, क्या पता क्रोकोडाइल ही निकले कुछ अच्छा। क्या हुआ? क्रोकोडाइल निकले तो उसी टाइम इन्होंने भी ये ले। पानी नहीं है, पानी नहीं है, केडा पानी है इसे, क्रोकोडाइल ही आ जाए। शिवांग मार के देख तू। नलधेरा ही चलते हैं, चलो गाइस नलधेरा चलते हैं यार, लेकिन ये तो सही में एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी हो गया।
मशोबरा में मंदिर भी है, तो आप एक मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। ये है मंदिर, हम नहीं गए क्योंकि मम्मी पापा को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो बहुत ऊपर तक गए। और यहाँ पे तलाई है, तलाई हमने आपको दिखा दी कि क्या तलाई है। अगर आपका मन करे तो आप आए, हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं नल देरा। देखिए हम कौन सी जगह, मशोबरा 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 हो गए। सो ये हम मशोबरा के आगे एक पार्क है, यहाँ पे किसी लोकल्स ने हमें बताया कि नेचर पार्क है, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। मतलब उस मंदिर के होने के बाद थोड़ा सा आगे आके 2-3 मिनट के बाद ही ये नेचर की पार्क आ जाती है। तो लेट्स सी, देखते हैं। फूल तो बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये वीडियो अपलोड नहीं हो रही है यार, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं आ रहा फिर से। इतना कोई खास यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सामने थोड़ा फूल वगैरह लगाया है जिसकी वजह से लगता है कि हाँ पार्क बहुत ही अच्छी है, बट मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही रास्ता है। और कहते हैं कि आगे स्कल्पचर है बुद्धा का, बट आई डोंट नो कितनी दूर है वो। अभी हमें ट्री हाउस मिला है, बट वो भी मेरे को ऐसे ही लग रहा है। बस एक पेड़ पर ऐसे स्टेयर्स लगाई हुई हैं और छत लगाई हुई है, दैट्स इट। इसको हम ट्री हाउस नहीं कह सकते क्योंकि ट्री हाउस बहुत ही बढ़िया होते हैं, बट मेरे को ऐसे लगता है कि कितना ये पैसा लेते हैं और कितना इन्होंने एंट्री फीस हमसे ली, और इनकी मेंटेनेंस ज़ीरो है। ये देखो कितने अच्छे से इन्होंने ये चीज़ बनाई होगी, बट यहाँ पे पानी का सोर्स ही नहीं है। दिस ये देखो खाली ये बना हुआ है, पुल बना हुआ है, बट कुछ भी नहीं है। इतनी प्यारी जगह अगर मेंटेन्ड हो और कितनी अच्छी लगे यार। नहीं मम्मी सेब है, सेब है मम्मी। ये देखो ये सेब का बगीचा, और कितने छोटे छोटे बगीचे, इतने इतने से इन पे सेब लगे हुए हैं, और कितने रेड रेड सेब है, मे भी आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे पेड़ है ये, तो सेब का बगीचा है ये, वाओ। अभी हम जा रहे हैं नलदेरा, और मौसम ऊपर में नाग देवता मंदिर है, गोल्फ कोर्स है, सतलज रिवर है, पिकनिक एरिया है। दूर कितनी है ये पूरा? 9 to 5 किलोमीटर का एरिया रहता है सर। 5 किलोमीटर? हाँ जी, यहाँ से ऊपर हॉर्स पे जाने पड़ेगा मैडम जी, साइट सीन के लिए। कितना लगता है इसका? 500। एक बिरला भाड़ 500 लेते हैं सर आने जाने का। यहाँ लगा देना गाड़ी ना अपने पीछे बैक करके, यहाँ उतर लो सर, आप ना उतर के देख लो। तो गाइस अपडेट ये है कि हम लोगों ने कोशिश तो बहुत की नलदेरा और मशोबरा देखने की, बट नलदेरा में भी कुछ फैसिनेटिंग सा लगा नहीं, तो हम लोगों ने वो प्लान कैंसिल किया। मशोबरा में कुछ नहीं था बिकॉज वो विंटर जगह है आई थिंक दोनों ही, तो फिर कभी विंटर में देखेंगे हम शिमला को अच्छे से। ये शिमला का ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ये टॉय ट्रेन है, टॉय वाली, हाँ वही जो जाती है। बट देयर इज अ चेंज इन प्लान, जिसमें हम लोगों ने ये सोचा अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ नॉट एग्जैक्टली चंडीगढ़, बट हाँ नियर बाय चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पे हम रुकेंगे and then we will head towards Manali. वो भी चंडीगढ़ वगैरह का बोर्ड दिखेगा, ये वाला ये बोर्ड है। पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ से चंडीगढ़ जाएँ यहाँ से, ताकि हम मनाली जा सके, चंडीगढ़ टू मनाली, बट अब हम यहाँ से जा रहे हैं, ये एक रोड यहाँ से करना, अब हम डायरेक्ट मनाली जा रहे हैं यहाँ से। मतलब है तो मतलब पहाड़ों वाला ही रोड है, बट यहाँ से डिस्टेंस कम पड़ता है चंडीगढ़ से, हमें ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ से 236 है मनाली, और चंडीगढ़ से यहाँ से चंडीगढ़ 100 है, और वहाँ से चंडीगढ़ से मनाली है 300 समथिंग। तो यही वाला रूट लेना बेटर रहेगा। हम शाम तक कहीं ना कहीं मंडी वगैरह पहुँच जाएंगे, देखते हैं सुंदर नगर या मंडी कहीं पर हम स्टे करेंगे। आप अपडेटेड रहो तो आगे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पहुँचते हैं। मैंने कहा इस रूट की स्ट्रगल ये है, शिमला टू मनाली रूट की,
ये ट्रक और बस अगर आ जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरटेक, और क्योंकि सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है, इधर से ये गाड़ी आ रही है, और यहाँ कुत्ता पीछे लगा हुआ है, ये कुत्ता पीछे लगा हुआ है। ये फनी था। चल भाई जाने दे। बड़े रूट अच्छा है। हाँ ये रूट अच्छा है। हम पहले जा रहे थे शिमला घूमने, और शिमला घूमते घूमते हम मनाली जा रहे हैं। हम अनप्लान ट्रिप कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा ही हुआ था देहरादून में भी, हम मसूरी घूम रहे थे और मसूरी घूमते घूमते हमें पता चला कि शिमला के लिए भी रास्ता जाता है, हम शिमला आ गए। अब शिमला में घूम रहे थे, शिमला में घूमते घूमते पता चला यहाँ से मनाली भी रास्ता जाता है, तो हम मनाली जा रहे हैं। अब देखते हैं मनाली के बाद कहाँ जाएंगे। तो रास्ता ये बहुत अच्छा है, मतलब ट्रैफिक इसमें बहुत ही कम है, और आपको होम स्टेज वगैरह सब मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट शिमला से मनाली जा सकते हो। वाया ये कौन सा जगह आएगी बीच में, बिलासपुर मंडी, बिलासपुर मंडी कुल्लू वगैरह सारा आ जाएगा इसमें, मतलब बिलासपुर से ये रास्ता मिल जाएगा जो दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें राइडर्स भी दिख रहे हैं। हाँ यहाँ से बहुत राइडर्स जा रहे हैं, है ना, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, स्पीति जा रहे होंगे, है ना। लोग घर से बता के जाते थे कि हम वहाँ जा रहे हैं, हाँ। और वहाँ से सीधे वापस आते थे, हाँ। सिर्फ इसी टूर में ऐसा हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं है ना, ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लेते हो। यही तो मजा इसका, है फैमिली इसका मुख्य कारण ये है कि आपको कंट्रोल करने वाले आपके साथ ही बैठे हुए हैं। हमें फोन करके नहीं पूछना पड़ रहा डैडी जाए नहीं जाए, आपने हमें काबू भी कर लिया, इसलिए हम आपके। ये देखो ओवरटेकिंग HP। मम्मी को जाना था सबसे पहले मनाली। हाँ एक्चुअली मम्मी का सबसे ज्यादा प्लान था मनाली जाने का, बट वो फिर कैंसिल हो गया। पहले हम गए मसूरी, फिर शिमला, फिर आज आके सोचा चलो मम्मी की बात मान लेते हैं लास्ट में, फिर हम मनाली जा रहे हैं। तो हम निकल गए हैं सुंदरनगर से मनाली की तरफ। अभी मनाली यहाँ से 131 है, और हम अभी GPS तो 4 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और ब्रेकफास्ट देखते हैं आगे कहीं करेंगे। और बारिश हो रही है यहाँ पे आज, हम पूरे अच्छे वाले मॉनसून में यहाँ पे आए मनाली में। आज हम फ्रेश है, कल शाम तक थोड़ा थक गए। हाँ अभी कल हम शाम में थक गए थे, बट अभी सारे के सारे फ्रेश है, नहा धो के निकले हुए हैं बिल्कुल फ्रेश, और देखते हैं। मैंने बाल भी नहीं बनाए। और देखते हैं कि आगे हम कहाँ रुकते हैं, जहाँ रुकेंगे वहाँ बैठ के बातें करेंगे आपसे। जो ब्यूटीफुल, कितना सही लग रहा है। यहाँ पर रुके हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैं व्यू भी आते हूँ यहाँ का, पूरा ग्रीन है आज यहाँ से सारा। हाईवे में इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं है, बस थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड्स हुई हैं यहाँ पे, तो वो तो बीच में अभी मॉनसून चल रहा है तो आजकल तो होती हैं ऐसी, मतलब होती रहती हैं, बट बाकी हाईवे बिल्कुल सही है मनाली वाला। तो अभी देखते हैं मनाली तक जाते हैं, और देखते हैं आज कहाँ जाएंगे। अभी तो सुबह के शायद 9 बजे हुए हैं, और उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। आज सोच रहे हैं हम हडिम्बा टेम्पल जाएँ, और बाकी भी शायद मॉल रोड और हडिम्बा ही आज करेंगे, बाकी कल शायद सिसु वगैरह जाएंगे हम, सिसु या अटल टनल। तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। बाकी आज वेदर बहुत अच्छा है, मुझे तो लगता है कि यही बेस्ट टाइम है यहाँ पे विजिट करने का। बाकी तो बारिश वारिश तो होती रहती, बारिश में और ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया। अभी तो बाहर प्लेन्स में तो बहुत ही गर्मी है, जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, दिल्ली वगैरह में। तो अभी चलते हैं और कुछ खाते हैं, और फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है।
फॉल दिखेंगे क्योंकि अभी ग्लेशियर पिघल रहे और बारिश है बहुत और उनकी वजह से आपको दिखाती हूँ ऊपर पहाड़ कैसे हैं। ठीक है, कैमरा ऊपर रखते हैं। फिर भी अच्छी अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा है इसका। छोटे बड़े वो थी ना बलेनो टाइप वो नीचे लग गया। हाँ, अभी आप देखो बिल्कुल कोई जाम नहीं है। आपने हमारा ले वाला अगर व्लॉग देखा होगा, कहाँ से था जम्मू जिसका टू जम्मू वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा कि हम कैसे जाम में फंसे थे और हमने कैसे कैसे शूट किया। टनल आगे टनल घटिया टनल सबसे घटिया टनल है। ऐसा लग रहा है हम अंदर बन जाएंगे। गुफा है, गुफा है, गुफा है। साइड पे देखना पत्थर देखो। इसको कहते हैं खड्डी। इस पर ये जो बन रहा है ये शॉल्स बन रहे हैं। आई थिंक ये यहीं पे बनाते हैं क्योंकि ये फैक्ट्री है आई थिंक शॉल्स की। ये देखो डिफरेंट कलर्स के ये थ्रेड्स हैं और इनसे ये शॉल बनाते हैं। वाओ, मतलब ये थ्रेड को लेके कुछ ऐसे करते हैं और ये ऐसे डिज़ाइन का शॉल बनाते हैं। और कुल्लू के शॉल तो बहुत ही फेमस हैं। ऊपर चढ़ना, चलो चलो आई मैं। ये देखो दीदी बना रहे, मैं आपको दिखाती हूँ। आंटी दिखाना कैसे बनाते हो आप। ये देखो ये शॉल बना रहे हो ना। अच्छा ये वायर्स हैं। अच्छा इनके बीच में डालने, ये वायर्स हैं और इनके बीच में थ्रेड डालते हैं एक एक करके और उसके बाद एक सिमेट्री में आ जाता है ये और देन शॉल बनता है। वाओ, ये है कुल्लू के शॉल जो वो नीचे बना रहे थे ना, देन ये डिज़ाइन निकल के आता है। थ्रेड्स को इकट्ठा करके ऐसे डिज़ाइन करके बहुत ही बड़ी शॉप है। सूट्स वगैरह भी हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। मैं लोकेशन बाहर जाके शूट करके डाल दूंगी, इससे पहले देख लेना कहाँ की लोकेशन है। कुल्लू की है मेन। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, कितना कटा? नहीं, महंगा ले लो। 200 खट्टे से नहीं, नाशपाती ले लो। खट्टे नहीं, मतलब कच्चे अभी।